हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से डिग्री भी प्रदान की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय हरियाणा दौरे पर रही। इस दौरान राष्ट्रपति ने हरियाणा में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी कड़ी में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को डिग्री दी। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया। उन्होंने छात्रों से ये कहा कि आपकी इस सफलता में परिवारजनों और समाज की भी भूमिका होती है, इसलिए समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग देश और समाज की भलाई के लिए करें। दीक्षांत समारोह में पहुंचकर राष्ट्रपति ने अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए ये कहा कि उन्हें इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर बेहद खुशी महसूस हो रही है। शिक्षा से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस होती है, क्योंकि अपने जीवन में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से पहले मैंने अध्यापन का कार्य किया था। राष्ट्रपति ने यह कहा कि NIT के 5,800 विद्यार्थियों में से 1,100 से अधिक लड़कियां हैं, ये भी गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आज हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आज आप सभी के बीच इस सुंदर कैंपस में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिक्षा से मेरा आत्मीय संबंध है। अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने से पहले मैंने एक विद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया था। शिक्षा से जुड़ी किसी भी कार्यक्रम में आकर मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। आज डिग्री प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबके माता पिता, परिवारजनों, गुरुजनों और सभी प्रियजनों को भी मैं बधाई देती हूँ। आपकी जीवन यात्रा में इस जगह तक पहुँचने में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई है। आपकी सफलता के पीछे समाज का भी योगदान है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समाज सेवा को भी अपनी प्राथमिकता में शामिल करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि NIT कुरुक्षेत्र इस वर्ष अपनी डायमंड जुबली मना रही है। सन 1963 में स्थापित हुई इस संस्थान के भारत के सबसे पहले NIT में से एक होने का गौरव प्राप्त है। NIT कुरुक्षेत्र में इस धर्म क्षेत्र में साइंटिफिक टेम्पर को प्रसारित करने में एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाई है। पिछले 6 दशकों में देश और विदेश में उच्च शिक्षा के तकनीकी संस्थानों के बीच NIT कुरुक्षेत्र ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस संस्थान के 40,000 से अधिक पूर्व छात्र ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के विद्यार्थियों ने सिंगापुर से लेकर सिलिकॉन वैली तक, सिविल सोसाइटी से लेकर सिविल सर्विसेज तक,
सभी क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र की इस गौरवशाली यात्रा में शामिल रहे अतीत और वर्तमान के सभी अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एनआईटी कुरुक्षेत्र के 5800 विद्यार्थियों में से 1100 से अधिक लड़कियां हैं, आज डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 2800 विद्यार्थियों में से 500 से अधिक यानी लगभग 18% लड़कियां हैं। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स विषयों में भी और अधिक लड़कियां आगे आएं। देवियों और सज्जनों, आज पूरा विश्व तेजी से हो रही परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन से नेचर ऑफ जॉब्स में बदलाव हो रहा है। इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से लोगों की बुनियादी जरूरतों में भी बदलाव आ रहा है। इससे इंजीनियरिंग की आप तक की पद्धतियों को भी चुनौतियां मिल रही है। इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के वजह से हो रही बदलाव के कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र सहित हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर रेडी बने, करिकुलम और पेडागोजी में परिवर्तन करके विद्यार्थियों को फ्यूचर रेडी बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्यों में से शामिल है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि एनआईटी कुरुक्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे फ्यूचरिस्टिक कोर्सेस को शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी जानकर विशेष खुशी हुई कि एनआईटी कुरुक्षेत्र ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनस सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की है। इस सेंटर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन डिजाइन्स तथा ई मोबिलिटी पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस क्षेत्र की स्थापना में से इंडस्ट्री, एकेडेमिया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाओं जैसे DRDO और BHEL के साथ सहयोग बढ़ रहा है। वहीं दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2016 बैच के गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये कहा कि राष्ट्रपति की उपस्थिति से हम सब में नव उत्साह, नई उमंग और प्रेरणा का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री ने डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करें। इसे साकार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है जिसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। एनआईटी कुरुक्षेत्र के इस हीरक जयंती वर्ष में आयोजित इस 18वें दीक्षांत समारोह में आकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को और भी आनंददायी व चिरस्मरणीय बना दिया है। आपकी उपस्थिति इस संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकगण समेत हम सब में एक नए उत्साह, उमंग और नव प्रेरणा का संचार कर रही है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाया है। साथ ही इस अवसर पर मैं आपको तराश कर उन तमाम शिक्षकों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा का गौरव है। इस संस्थान की स्थापना क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में वर्ष 1963 में हुई थी। हरियाणा राज्य इसके लगभग 3 साल बाद अर्थात 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया।
इस प्रकार इस संस्थान ने मरुस्थलीय क्षेत्र से आधुनिक हरियाणा तक 7 दशकों को हमारे साथ जिया है। इस चमचमाती सड़कों, शानदार इमारतों, बड़े बड़े उद्योगों वाले हरियाणा के निर्माण में इस संस्थान से निकले दक्ष व कुशल इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस संस्थान पर हमें विशेष गर्व है। यह भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि जब NIT कुरुक्षेत्र अपना हीरक जयंती वर्ष मना रहा है तो इसे आशीर्वाद देने के लिए स्वयं माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पधारी हैं। इस संस्थान के शिक्षकों व स्टाफ को हीरक जयंती के साथ साथ यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के आगमन की दोहरी बधाई देता हूँ। यहाँ आने से पहले माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ अपने कर कमलों से किया है। वहाँ आपने हरियाणा की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक वैभव के दर्शन किए। आपके सामने 21वीं सदी के युग की अति आधुनिक तकनीकी शिक्षा से युक्त हरियाणा उपस्थित है। महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 21वीं सदी के भारत में दुनिया को सिरमौर कहलाया जाए, इसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप जैसे कार्यक्रम राष्ट्र को दिए हैं। इन सब कार्यक्रमों का आधार स्किल इंडिया है। स्किल किसी भी क्षेत्र में देश को आगे ले जाने के लिए पहली जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए NIT कुरुक्षेत्र की तरह नवीनतम प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले ऐसे अनेक संस्थान हरियाणा में स्थापित हैं। इनके अलावा कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म व टेक, टेलीविजन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि हर क्षेत्र में विश्व स्तरीय व्यावसायिक व रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए उच्च कोटि के संस्थान हरियाणा में विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए रोहतक में, सुनारिया में IIM, कुरुक्षेत्र में ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र के उमरी में उत्तर भारत का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसी प्रकार सोनीपत के मूर्थल में CPET और किलोड़ में IIT स्थापित किए जा रहे हैं। सोनीपत और झज्जर में IIT दिल्ली के विस्तार परिसर स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बेटियों की तारीफ की और कहा कि हमारी बेटियां अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। इसलिए सभी तकनीकी संस्थाओं में लड़कियों के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं। सरकारी बहु तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्राओं से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। आज बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, वर्ष 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था तब यहाँ केवल एक विश्वविद्यालय था, जिसे अब हरियाणा में 56 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। हरियाणा में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए 41 सरकारी सोसाइटी व सहायता प्राप्त और 454 निजी बहु तकनीक स्थापित हैं। इसके अलावा 4 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 89 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और 4 तकनीकी विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। महोदया, प्रदेश की बेटियां अपनी प्रतिभा से हर क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रही हैं। इसलिए सभी तकनीकी संस्थाओं में लड़कियों के लिए 25% सीटें ये आरक्षित की गई हैं। मुझे खुशी है कि आज टीम ऑफ द लीडर भी आज एक बेटी यहाँ उपस्थित होकर के मेडल लेकर के गई है। सरकारी बहु तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। कॉलेज पॉलिटेक्निक में छात्रों के लिए निशुल्क पासपोर्ट सहायता योजना शुरू की गई है। कॉलेजों में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। उद्योगों की भागीदारी से छात्रों को 4 से 6 महीने का मुफ्त प्रशिक्षण ये भी प्रदान किया जाता है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की सुविधा ये भी प्रदान की गई है। कौशल विकास की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए जिला पलवल के दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह विश्वविद्यालय अपनी तरह का एक अद्वितीय विश्वविद्यालय है, जो प्रमाण पत्र से लेकर और डायरेक्टरेट तक कौशल शिक्षा प्रदान करेगा। इसके माध्यम से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महोदया, हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें रोजगार परक सक्षम बनाए
चरित्रवार बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करें। इसे साकार करने के लिए नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसे वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में NIT कुरुक्षेत्र जैसे संस्थानों से हमें निरंतर सहयोग मिला है। मैं इस संस्थान के दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए प्रबंधकों को बधाई देता हूं। और आज उपाधि यानी डिजिटल उपाधि एक प्रकार का, यह भी एक पहली बार मेरे सामने कार्यक्रम आया है। ये कुरुक्षेत्र वैसे गीता की नगरी है, लैंड ऑफ गीता। लोग पूछते हैं एक तरफ गीता और एक तरफ डिजिटलाइजेशन संबंध क्या है। मैं कभी विचार करता हूं बहुत गहरा संबंध है। यदि आप इस शब्द डिजिटल को ध्यान से देखते हैं, DIGITAL, अगर DI लेफ्ट से साइड में करें, L को राइट से साइड में करें, बट रिमेन्स गीता, उसमें गीता बचती है। और अगर DI और L को मिलाकर थोड़ा ऊपर रखें तो फिर बनता दिल में गीता। दिल में यदि गीता है तो डिजिटलाइजेशन अपने आप हो जाता है। तो आज इस समारोह में डिजिटल उपाधियां ये प्रदान करना ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मैं संस्थान में शिक्षण ग्रहण कर रहे सभी युवकों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बता दें कि NIT कुरुक्षेत्र अपना डायमंड जुबली वर्ष मना रहा है। विश्व के तकनीकी संस्थानों में NIT ने अपना नाम बनाया है। इस संस्थान से निकले लगभग 40,000 पूर्व विद्यार्थियों ने देश की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया। सिंगापुर से लेकर सिलिकॉन वैली और सिविल सोसाइटी से लेकर सिविल सर्विसेज में अपना स्थान बनाया है। ये सब संभव हो पाया है हरियाणा की मनोहर सरकार के अभूतपूर्व प्रयास से। तो हरियाणा दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की है। राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महारा गांव जगमग गांव और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाई। जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, ताकि देश और प्रदेश में गिरते लिंगानुपात को रोका जा सके और बेटियों के प्रति समाज में होने वाले नकारात्मक रवैये के प्रति जागरूकता लाई जा सके। इस योजना से हरियाणा राज्य को काफी लाभ हुआ और आज हर क्षेत्र में हरियाणा की बेटियां अपना लोहा मनवा रही हैं। इसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा सरकार की जमकर तारीफ की। दरअसल हरियाणा राजभवन में मनोहर सरकार की ओर से राष्ट्रपति के सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा प्रयास सबसे अधिक सराहनीय है। साल 2014 में 871 की तुलना में आज 913 के लिंगानुपात तक पहुंचने की प्रगति की यात्रा के लिए हरियाणा सरकार और समाज की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आज हरियाणा के निवासियों ने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके कारण राष्ट्रपति के रूप में आपके राज्य की मेरी पहली यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी। आज ही कुरुक्षेत्र में गीता यज्ञ की पूर्णाहुति तथा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भाग लेकर मुझे देश की प्राचीन और महान विरासत से जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र के दीक्षांत समारोह के दौरान आधुनिक टेक्नोलॉजी को योगदान देने वाले नई पीढ़ी के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मुझे अवसर मिला। आज के दिनों समारोह हरियाणा की समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और सराहनीय आधुनिक विकास के प्रतीक कही जा सकता है। हरियाणा भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है।
वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती का आशीर्वाद हरियाणा को प्राप्त था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार द्वारा सरस्वती धरोहर के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसके संरक्षण के लिए हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड गठित किया गया है। विलुप्त नदी सरस्वती के विषय में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए हरियाणा के दर्शन लाल जैन जी की मैं सराहना करती हूँ। इस अवसर पर हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं की ओर से हासिल की गई प्रगति से होती है। हरियाणा सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है, इसी कारण हरियाणा में महिलाएं आज मुख्य धारा में पुरुषों से पीछे नहीं। जिसे भारतीय संस्कृति का पोषक कहा जाता है, यहाँ के लोगों ने सदैव गीता के कर्म के संदेश को अपना कर मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान दिए। इसलिए हरियाणा को आज वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। हरियाणा देश का मात्र 2% क्षेत्र और जनसंख्या का 2.5% भाग होते हुए भी भारत की सेनाओं में 10% स्थान रखता है। हरियाणा प्रदेश नंबर 1 1966 में अस्तित्व में आया। हरियाणा प्रदेश की सीमाएं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 3 ओर से लगती है, इसलिए यहाँ हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर से दिए गए मंत्र लास्ट इज फर्स्ट पर कार्य कर रही है, जिससे आम लोगों को लाभ मिल रहा है। हमारे देश की राष्ट्रपति जिनको एक विशेष प्रकार की ख्याति प्राप्त हुई है, पहली बार हरियाणा के आगमन पर आप आई हैं। मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, प्रदेश की 3 करोड़ जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का दिन इस रूप में भी ऐतिहासिक है कि आपकी पहली यात्रा हरियाणा की जो सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम है उसका आपने श्री गणेश किया है, उसका उद्घाटन किया है और साथ ही जैसे बताया 3 महत्वपूर्ण योजनाएं 2 स्वास्थ्य विभाग की हैं, परिवहन विभाग की, उनका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और एक प्रकार के सारे प्रदेश में आपके आगमन के जो इंतजार हो रही थी, एक उत्साह भरा एक वातावरण सारे प्रदेश में रहा है। आपके आगमन से निश्चित रूप से हमको एक प्रेरणा मिली है। आपके जीवन को जब हम विचार करते हैं तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा का जीवन है, खास करके एक गांव से चल करके आप राष्ट्रपति भवन तक की जो यात्रा है वो यात्रा बहुत ही रोमांच करने वाली यात्रा है। आपने जिसको कहना चाहिए कि ग्राउंड लेवल से अपना जीवन शुरू किया, सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, शिक्षिका के नाते, फिर बाद में विधायक बनी, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी और आज आप राष्ट्रपति पद को आप सुशोभित कर रही हैं। यानी ऐसा कहा जाए कि जैसा कहते कोई भी व्यक्ति सपने ले सकता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, वनवासी क्षेत्र का व्यक्ति उस सपने को पूरा कैसे कर सकता है, ये उसमें से एक प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए आप पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आपका जीवन बड़ा संघर्षमय ये जीवन रहा है, देश सेवा के पथ पर आप लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसमें हम सब लोगों को भी इस प्रकार का जो डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी, खास करके अंत्योदय के नाते से, जैसे आपने कहा कि लास्ट इज फर्स्ट, जिसको दीनदयाल जी ने अंत्योदय की नाते से कहा कि सबसे अंतिम व्यक्ति की अगर हम चिंता करें तो ये समाज, ये देश, प्रदेश सब खुशहाल हो सकता है। तो ऐसे अनुसूचित जनजाति समाज में बहुत से काम आप लोगों ने, आपने किए हैं और उसका एक सारे देश में उसका लाभ मिल रहा है। हम भी प्रेरणा लेकर के ऐसे अंत्योदय की जो योजनाएं हैं उनको और गति देकर के आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज़ादी के
75वें वर्ष में आपने जो दायित्व संभाला है, इस दायित्व के कारण से और उसका एक बड़ा महत्व, जैसे बहुत से ऐसे अमृत महोत्सव के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें आपने विशेष रुचि ली है, अनसंग हीरोज के बारे में आपकी जो रुचि है वो भी अत्यधिक है, तो उस पर भी हम अपने काम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। हमने अंत्योदय के नाते से पिछले दिनों में जैसे आयुष्मान भारत योजना देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, उसमें कुछ और लेवल आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में अभी तक 15.5 लाख परिवारों को जो लाभ मिल रहा था, पिछले दिनों में इस योजना को और विस्तार देते हुए अब 28 लाख परिवारों को, 1,25,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा में मनोहर सरकार की विकास यात्रा के दौरान हरियाणा प्रदेश ने अनेक मानकों पर अपना स्थान अग्रणी राज्यों में बनाया है, जिस कारण हरियाणा की तारीफ करने से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी खुद को नहीं रोक पाए। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।